एक समय की बात है, एक आदमी था जिसके पास एक बड़ा बगीचा था। उसने कई फलदार पेड़ लगाए थे और उनकी देखभाल की थी जब तक कि उनमें फल नहीं आ गए। अब वह फलों की कटाई करके उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहता था। एक दिन जब वह अपने बेटे के साथ फलों को चुन रहा था, उसने देखा कि एक अजनबी पेड़ की शाखा पर बैठा फल तोड़ रहा था। आदमी गुस्से में आ गया और चिल्लाया, अरे तुम मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? पेड़ की शाखा पर बैठे अजनबी ने माली की ओर देखा लेकिन जवाब नहीं दिया और फल तोड़ता रहा। माली बहुत गुस्से में था और फिर से चिल्लाया, पूरे साल मैंने इन पेड़ों की देखभाल की है, तुम्हें मेरी अनुमति के बिना फल तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुरंत नीचे आओ। पेड़ पर बैठे अजनबी ने उत्तर दिया, मैं क्यों नीचे आऊं? यह भगवान का बगीचा है और मैं भगवान का सेवक हूं, इसलिए मुझे ये फल तोड़ने का अधिकार है। तुम्हें भगवान और उसके सेवक के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माली इस उत्तर से बहुत हैरान हुआ और उसने एक योजना बनाई। उसने अजनबी से कहा कि वह पेड़ से नीचे आ जाए। जैसे ही अजनबी पेड़ से नीचे उतरा, माली ने उसे पेड़ से बांध दिया और उसे डंडे से पीटने लगा। अजनबी चिल्लाने लगा, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। माली ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसे पीटता रहा। अजनबी चिल्लाया, क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? तुम एक निर्दोष आदमी को पीट रहे हो। माली ने उत्तर दिया, मुझे क्यों डरना चाहिए? मेरे हाथ में यह लकड़ी भगवान की है और मैं भगवान का सेवक हूं। तुम्हें भगवान और उसके सेवक के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अजनबी ने झिझकते हुए कहा, रुको, मुझे मत मारो, मुझे फल लेने के लिए खेद है। यह तुम्हारा बगीचा है और मुझे फल लेने से पहले तुम्हारी अनुमति लेनी चाहिए थी, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो। माली मुस्कुराया और कहा, अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए भगवान के नाम का उपयोग मत करो। फिर माली ने उसे खोल दिया और उसे आजाद कर दिया।